हेलो 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 भैया खोल दे मेन माइक। हेलो मजाक कर दी माता पार्वती से तो हुआ क्या सुनेगा क्या। एक दिन पर्वत पर विराजमान थी शिव संग शिव प्रिया। एक दिन पर्वत पर विराजमान थी शिव संग शिव प्रिया। शिव ने उनको पाली कह कर धीरे से हंस दिया। एक दिन पर्वत पर विराजमान थी शिव संग शिव प्रिया। शिव ने उनको पाली कह कर धीरे से हंस दिया। तो देवी क्रोध में आके बैठी तप को रचा के शिव आए हर साए एक तन प्रतिपादित किया। Yeah!
सुनिएगा भाभी जी, सभी से निवेदन है कि गीत को सुनिएगा। शाबाश शाबाश। एक प्रसंग मिला, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी हम बिहार करेंगे। माता ने कहा, भोलेनाथ हमको लज्जा आएगी, इस खुले वातावरण में हमको लज्जा आएगी, इस वन प्रदेश में। भोलेनाथ ने श्राप दे दिया उस वन को, जो भी पुरुष इस वन में आएगा वो नारी बन जाएगा। एक दिन हुआ कैसा, एक दिन हुआ कि सेना सहित राजा प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए राजा, वो राजा नारी बन गए, सारी सेना नारी रूप में हो गई, जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गए, सभी स्त्रीलिंग में हो गए। तो कहना पड़ा, जब राजा नारी बन गए तो सुंदर नारी बन बन में विचर रही है, तो देखा बुद्ध के पुत्र ने, जब बुद्ध के पुत्र ने देखा तो ब्याह कर ले गए। तो क्षमा नहीं, भाभी जी क्षमा कीजिएगा, चंद्रदेव के पुत्र ने जब देखा तो मोहित हुए, तो ले गए। जब ले गए अपने साथ तो कहना पड़ा, क्या राजा सुदुम्न वन में बने नर से नारी, राजा सुधुम्न वन में बने नरस नारी, चंद्रदेव पुत्र की पत्नी, चंद्रदेव पुत्र की पत्नी बने गई बेचारी, बन गई। तो कहना पड़ा, गुरु जी है आए तप रचाए, जब शंका का समाधान, उस समस्या का समाधान होना है तो हुआ क्या, गुरु जी है आए समझाए तप रचाए, साथ लेके आए तप गौरा को साथ लेकर आए त्रिपुरारी, कर ये खबर लेगा वचन इनका पद लेगा, कर ये खबर लेगा वचन इनका पद लेगा, लेकिन यदि चाहते सबसे दिन मरना ना रहे कुछ दिन जनाना, अगर आप चाहते हैं कुछ दिन मरना ना रहे कुछ दिन जनाना, कुछ दिन मर्दाना रहे कुछ दिन जनाना। आइए दूसरा वंद सुनेगा, भगवान कन्हैया के साथ अर्जुन पहुंच गए भीष्म पितामह के पास, कहा अगर पितामह आप इस युद्ध की बागडोर संभाले रहे तो यह युद्ध जीतना असंभव है, क्योंकि आपको वरदान है कि आप जब चाहे तब मृत्यु का वरण कर सकते हैं। शाबाश। तो कहना पड़ा, क्या कहने लगे भीष्म पितामह, हे अर्जुन अगर पूछे तो मैं एक विशेष बात बता रहा हूं, किसी पीर के द्वारा मैं मारा न जाए, नहीं मारा
पकड़ा जा सकता। ये किसी पीर के द्वारा मैं मारा न जाए, फिर भी हार जाने का तरीका बताओ, तरीका बताओ, तरीका बताओ, तरीका बताओ। सामने घपंडी वो शिखंडी अगर आए, सामने घपंडी वो शिखंडी अगर आए, किसी हाल में उस पे शस्त्र ना चलाओ, किसी हाल में हाल में उस पे शस्त्र ना चलाओ, वीर बलधारी है मैं समझू नारी है, वीर बलधारी है मैं समझू नारी है, इसका हमारा कह दे का मरदाना मगर तब का जनाना, अब का मरदाना मगर तब का जनाना, अब का मरदाना मगर तब का जनाना। शम्मानी दादा जी आपने करते हैं शिक्की मुद्राएं भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका जनाना, आपका मर्दाना मगर कब का जनाना आएगा, बहुत शीघ्रता में प्रसंग और दे रही है। कलयुग में एक कथा मिली, कौन सी एक बात मिली तो कहना पड़ा, क्या कलयुग की घटना तुमको सुनाती हूँ प्यारी, कलयुग की घटना तुमको सुनाती हूँ प्यारी, आई जी के पद पे थे एक अधिकारी, और छोड़ के ये झंडा और डंडा के पंडा, छोड़ के ये झंडा और डंडा के पंडा, कन्हैया से यारी करके बने राधा प्यारी, कन्हैया से यारी करके बने राधा प्यारे, कन्हैया से यारी करके बने राधा प्यारे, कन्हैया से यारी करके बने राधा प्यारी, तो क्या मन ठाना है किसी ने बचाना है, क्या मन ठाना है किसी ने बचाना है, लाल चंद्र जाने उसको सारा जहां, लाल चंद्र जाने उसको तन से मर्दाना मगर मन से जनाना, तन से मर्दाना मगर मन से जनाना।
जो सुनने वाले लोग आते हैं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेस्ट बिगड़ जाता है इस कार्यक्रम में, लेकिन ये भी आवश्यक है क्योंकि जिन लोगों के दरवाजे हम लोग जाकर सम्मानित होते हैं उनको सम्मानित करना चाहिए, और यही हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव। क्योंकि ये कमेटी भी मेरी है, ये कार्यक्रम भी मेरा है, इसलिए ये काम भी बहुत जरूरी है, तो बाधा के लिए सबसे क्षमा चाह रही हूँ। और मैं चाहूंगी अनिल ज्ञान भैया भी हमारे आ जाएं, आपका भी एक छोटा सा सम्मान स्वागत हो जाए। आइए अनिल भैया, स्वागत है आपका भी, उधर ही आ जाइए, ऐसे ही निपट जाइए, समय बहुत हो रहा है। गीत बड़ा अच्छा नीलम जी ने दिया है, मैं प्रयास कर रही हूँ कि जवाब जितना बन जाए उतना स्वीकार कर लें आप। ये गीत कह रहा है, शर्मा जी उधर निकल जाइए। के लुक छुप के मैं घूमी गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया, क्या बात। लुक छुप के मैं घूमी गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया, खिल खिल के हंसती गली गली, पर खिला नहीं मेरा दिया। मेरी इतनी कहानी मेरी यह परेशानी, कोई आए कोई आए कोई बोले मैंने दिल दिया, तो ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना। हमारी नंद रानी जी, सुजीत भैया, हमारी नंद रानी जी कह रहे कि ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना। हम तो राधा कृष्ण भगवान से कह रहे तुमको यहीं पर मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। हालांकि जब आप गा रही थी तो बगल में एक ऐसे ही घूम रहे थे, वो देखो उधर वो उंगली उठा उठा के बता रहे थे ऐसे ऐसे करके, तो मुझे बड़ी हंसी आई। ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सिया, कभी लाके दे वो गजरा मुझे भोपाल का, कभी लाके दे वो गजरा मुझे नैनीताल का, बनारस जो जाए बरेली जो जाए लेके आए सुरमेदानी, लखनऊ से ले आए कुर्ता कामदार, बनारस अगर जाए साड़ी लेके ही आए, बनारस अगर जाए साड़ी लेके ही आए, बोले दिल्ली से है क्या मंगवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सिया, भैया की ओर से आप कह रहे हैं कि गुमनाम पुरस्कार है इस धुन पर, धन्यवाद भैया। अच्छा अच्छा, 21 मुद्राएं हमारे अनिल ज्ञान भैया ने लिखा है, जो खुद गर्जी में जीते हैं इंसान को वो क्या पहचाने, कूड़ा करकट बिनने वाले हीरे की कीमत क्या जाने। बात बहुत बड़ी बात है, उसी बात लिखी आपने, वो देखो थोड़ा सा पगला थोड़ा दीवाना। गीत बड़ा अच्छा आप लोगों ने सुना है। नीलम जी मैंने ये नहीं कहा था कि मैं आपका गीत सुन नहीं पाई, मैंने कहा था पहले चरण में मुझे व्यवस्था बनानी थी, स्वागत सम्मान के कार्यक्रम पे आपने टेढ़ा गीत लगा दिया तो मैं आपका गीत लिख नहीं पाई। सुन तो मैंने लिया था कि आप उस गीत में क्या बता रही कि कौन नारी कौन ब्रह्मचारी, ये तो मैंने बता दिया था। सुना कान थोड़ी मेरे कहीं चले गए। और इसमें आपने जनाना और मर्दाना लिया है, जहां जहां जनाना मर्दाना आपको चार जगह मिला आपने चारों जगह ले लिया, बस ईश्वर से कामना कर रही हूँ ये स्नेह ऐसे ही बना रहे। सुजीत भैया बस इसी तरह ये स्नेह बना रहे, और ये भी चाह रही हूँ कि आप लोग आए हैं तो इस बात का प्रण कीजिए कि लखनऊ जैसा था वैसा बनाने में आप लोग सहयोग करेंगे। क्या बात है, जिसके लिए लखनऊ जाना जाता था।
था, वही प्रेम, वही आदर, वही सम्मान आप लोग सब कलाकारों के लिए बनाने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए मेरी कहीं भी कैसी भी जरूरत पड़े मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जहाँ मुझे झुकने को भी कह देंगे तो क्रांति माला आपके लिए झुक भी जाएगी। ये लेकिन लखनऊ लखनऊ बनना चाहिए पहले वाला जैसा पहले था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई अलग हो, कलाकार सब अपने होते हैं और ये मेरा स्वभाव पूरा कीर्तन जगत जानता है, लेकिन जो आपसी खटास पैदा हो रही है उसको हम ही लोगों को हटाना है, तो इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। खैर आइए जवाबी की ओर बढ़ रही हूँ। नीलम जी, जलाना मर्दाना आपने बताया, कहीं आधा जलाना आधा मर्दाना, कहीं कुछ दिन जलाना कुछ दिन मर्दाना, कहीं तन है जनाना और मन है मर्दाना, किस तरह से जोड़ा है आपने। चलिए पहला टुकड़ा सुनिए। गुनते हैं मन में ज्ञानी गुनी वो कहीं नहीं मिला, सुनिए। गुनते हैं मन में ज्ञानी गुनी वो कहीं पर नहीं मिला, है रूप क्या आकार है क्या ये उत्तर नहीं मिला। भगवान यानी वो शक्ति निराकार भी है साकार भी है, आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो शक्ति निराकार है या साकार है, जिससे सबको शक्ति मिल रही है। गुनते हैं मन में ज्ञानी गुनी वो कहीं पर नहीं मिला, रूप है क्या आकार है क्या ये उत्तर नहीं मिला, ढूंढ ज्ञानी ध्यानी कहीं मिले ना निशानी, कोई आए कोई जाए कोई जान न पाए ईश्वर कहाँ मिला। जब नहीं मिला तो मेरी पंक्ति कह रही है कि ढूंढते हैं ढूंढते कब से किसी को पता, वो शक्ति जो है, क्योंकि वेद पुराण बताते हैं वो शक्ति कहती है कि मैं नर में भी हूँ और मैं नारी में भी हूँ, लेकिन उस शक्ति को आज तक किसी ने देखा नहीं। तो ढूंढते कब से किसी को बताना, वो शक्ति शक्ति मर्दाना है भैया है जनाना, संचालित हो रही है, ये नर में भी है ये नारी में भी है, इसलिए वो शक्ति आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है नारी है या नर है, तो वो शक्ति है जनाना या के मर्दाना। दूसरी जगह सुनिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उपजाने ब्रह्मा जी ने एक बार कार्य किया, और नीलम जी प्रसंग को ध्यान से सुन लीजिएगा, जब चार जगह आप अलग अलग सुनेंगी तभी आपको समझ में आएगा मेरा जवाब। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाने के लिए उसकी उत्पत्ति के लिए शरीर को दो भागों में बांटा, अपने ही शरीर को दो भागों में बांटा, और देखिए उसमें मिला क्या। विधाता की युक्ति कोई काम नहीं आई, मानसी सृष्टि विधना ने रचाई, मन में भी कल है नहीं कल है मिला उनको, तो मैथुनी सृष्टि से है योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने एक सृष्टि बनाई मैथिली सृष्टि, और देखिए इस सृष्टि में मिला क्या। युक्ति बिचारी है काया बिदारी है, युक्ति बिचारी है काया बिदारी है, हुआ मनुष्य रूपा का चोरा पुराना। ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से एक नर एक नारी पैदा कर दी, मर्दाना है तो बाए जनाना, दाएं मर्दाना है और बाएं जनाना, और ये
201 पदों का स्नेह भरा पुरस्कार भैया हमारे राजीव मिश्रा जी आपकी तरफ से भैया को हृदय से नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा बड़ा आशीर्वाद, इसके लायक नहीं हूं मैं, फिर भी मुझे मिल रहा है। पूजनीय गुरुवर दादा श्री हरि मोहन पांडे जी, जिन्होंने बउआ भैया को ट्रेनिंग दी है, आप उनके गुरु हैं। और मैंने मैंने कई कार्यक्रम आपको बउआ ने मुझे सुनवाए दिखाए, आप यहाँ नहीं दूसरे ही लोक के कलाकार लगते हैं। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ। तीसरी जगह सुनिए, अर्जुन ने उर्वशी से था श्राप पाया, यह बउआ पांडे। नीलम जी तीसरा प्रसंग तीसरा युग सुनिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। अर्जुन स्वर्ग लोग पहुंचे, उर्वशी बड़ी तैयार होकर उनके सामने आई। उसने सोचा मुझे देखकर बड़े बड़े देवता पागल हो जाते हैं, ये तो अर्जुन है। लेकिन अर्जुन पागल नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, बल्कि अर्जुन ने माँ कहकर प्रणाम कर लिया। जब प्रणाम कर लिया तो उर्वशी को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। उर्वशी को लगा मैं किस नजर से इनको देख रही थी, इन्होंने मुझे माँ कह दिया। उर्वशी ने कहा तुमने मेरा इतनी सुंदर नारी का अपमान कर दिया, तो जाओ जाओ अर्जुन, तुम्हें भी नारी का रूप बनाकर रहना पड़ेगा, जब एक वर्ष अज्ञातवास मिलेगा तुम्हें। क्या देखे वहां भी मिला। अर्जुन ने उर्वशी से था श्राप पाया, ईश्वर की करनी है ईश्वर की माया, श्राप को सुना है ये गुना है, एक वर्ष को बदली है काया तो पौरुष गवाया। अब आपके में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, नीलम जी थोड़ा थोड़ा सुनिए सुनिए। वर्ष एक बिताना है या अज्ञातवास, वर्ष एक बिताना है स्वयं को छुपाना है, कहा है अर्जुन। वर्ष एक बिताना है स्वयं को छुपाना है, किन्नर बनोगे ये पता तक चला। और यहाँ अर्जुन, कुछ दिन जनाना रहे कुछ दिन मरदाना, यानी थोड़ा जनाना थोड़ा मर्दाना, बस थोड़ा जनाना थोड़ा मर्दाना, जैसे आपके गीत में बदलाव हो रहा है। अब कलयुग में कहां से लाया जाए, हालांकि कलयुग में जगह जगह आजकल लोगों को देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी लटे रखा करके बड़ी सी जीभ निकाल के कटोरा लेकर नारी का वेश बनाकर घूमते हैं। तो हम लिख सकते हैं वही जनाना वही मर्दाना, ये पैसे मांगने चले आते हैं, ये बात मिले। लेकिन जिनको प्रकृति ने बनाकर भेजा है वो आपने छोड़ दिया। देखिए मैं किसकी बात कर रही हूँ, और इसको दुनिया जानती है। कैसे? मुंडन हो चाहे तिलक चाहे हो सगाई, मुंडन हो चाहे तिलक चाहे सगाई, द्वारे द्वारे जाकर वही मांगते बधाई। आप डी के पंडा की बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ जिसको प्रकृति ने बना दिया। सभापति, मुंडन हो चाहे तिलक चाहे सगाई, द्वारे द्वारे जाकर वही मांगते बधाई, आने इन आने से इनके शुभ होता कार्यक्रम है, घर घर जाकर इन्होंने तालियां बजाई।